गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी इतिहास की सबसे बड़ी फैंटेसी सीरीज, इतनी बड़ी कि भीड़ में कहीं चिल्ला दे वलार मोरगुलिस तो शर्त या पलट के जवाब आएगा वलार डोहारिस। इसी यूनिवर्स का एक नया शो हाउस ऑफ द ड्रैगन, जिसे देखने के लिए जीओटी की कुछ बुनियादी बातें जानेंगे आज, ताकि सब सही से पल्ले पड़े। आपके लिए इन दो सीरीज का इतिहास और भूगोल खंगाल कर लाए हैं हमारे साथी सोम। बोल हम रहे हैं लेकिन तमाम जब सोम साहब के हैं। बहरहाल बात इन सीरीज की, अमेरिका में एक जबर लिखाड़ हुआ जॉर्ज आर आर मार्टिन, उन्होंने एक पैरेलल दुनिया ही लिख दी, एक मिथकीय दुनिया जहाँ की अपनी भाषा है, अपने तौर तरीके, अपनी हुकूमत, अपने संघर्ष, अपनी महत्वाकांक्षाएं। मार्टिन की द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर बनी थी गेम ऑफ थ्रोन्स, बम्पर हिट हुई। आखिरी दो सीजन्स ने हेविली निराश किया, बावजूद इसके सीरीज को कल्ट दर्जा हासिल हुआ। ये कहानी है एक तख्त के बारे में, आयरन थ्रोन। वेस्टरोस के पहले राजा एगोन प्रथम ने जितनों को हराया उनकी तलवारों से बना तख्त, खेला इसी तख्त का है और इसे हासिल करने के लिए किए गए हर कांड का, कांड भी हाई लेवल के। तो यह भसड़ शुरू कब और कहां से हुई? वैसे तो थ्रोन यूनिवर्स की कहानी शुरू होती है 8000 साल पहले, जब व्हाइट वॉकर्स का जन्म हुआ, लेकिन उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमारी कहानी शुरू होगी वलेरिया से। वलेरिया एक जगह है, देश है, राज्य है, जिला है या ब्लॉक है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन जगह है। यहाँ भी ओशन और कॉन्टिनेंट्स हैं। जैसे वेस्टरोस एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, वेस्टरोस के ईस्ट में उससे भी एक बड़ा कॉन्टिनेंट है एसोस, उसका दक्षिणी हिस्सा है वलेरिया, एक विशालकाय साम्राज्य जिसने बहुत समय तक आधी से ज्यादा दुनिया पर राज किया। भयानक जादू नगरी, ड्रैगन लॉर्ड्स का घर, मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ ड्रैगन घोड़े जैसा है, सभी के पास है। इन्हीं ड्रैगन लॉर्ड्स में एक परिवार है टारगेरियंस का। वलेरिया में सब राजी खुशी चल रहा था, शासन, कारोबार, विवाद, गुलामी सब। फिर आया डूम ऑफ वलेरिया, यानी वलेरिया का अभिशाप। कोई पुरानी भविष्यवाणी थी कि जिसके मुताबिक एक दिन वलेरिया को तहस नहस हो जाना था। हुआ भी यही, एक दिन यकायक वलेरिया का हर पहाड़ फट गया, जमीन बीच से चिर गई और शहर के शहर दफन हो गए। बादलों से आग बरसी और बरसा काला खून, चमकता दमकता वलेरिया खाक में मिल गया। सारे ड्रैगन, सारा सोना, सारी इमारतें, सारा साम्राज्य जल गया। उस वक्त से अभी तक की कहानी तक वलेरिया एक शापित जगह है, सड़ी हुई इमारतें और आसपास धुएं से भरा हुआ समुद्र। कोई नहीं बचा सिवाय एक के, त्रिवेदी नहीं, टारगेरियंस। दरअसल टारगेरियन परिवार के एक बुजुर्ग ने ये त्रासदी देख ली थी अपने सपने में, तो उनने लगाया दिमाग और डूम ऑफ वलेरिया से कुछ साल पहले टारगेरियन परिवार एसोस से उड़कर वेस्टरोस आ गया अपने ड्रैगन्स के साथ। आने वालों में तीन मुख्य लोग थे, एगोन टारगेरियन, रेनिस टारगेरियन और विसेनिया टारगेरियन। रेनिस और विसेनिया एगोन की बहनें भी और पत्नियां भी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन टारगेरियंस में ऐसा चलता था। उनका मानना था कि वो ड्रैगन्स के वंशज है, परिवार में ही शादी करेंगे तो खून प्योर रहेगा। इसे सही नहीं माना जाता था, हमारी दुनिया में तो बिल्कुल ही नहीं, उनकी दुनिया में भी ये नॉर्मल नहीं था। पूरे एसोस में कुछ ही परिवार थे जो ऐसा करते थे। जीओटी में जेमी और सर्सी लैनिस्टर का रिश्ता ऐसा ही था। अब बात शो के सबसे चिलिंग पार्ट की, ड्रैगन्स। एगोन, विसेनिया और रेनिस के तीन ड्रैगन्स, बलेरियन, वेगार, मैराक्सिस। इस सीरीज में हमें सिर्फ वेगार दिखेगी, हाँ दिखेगा नहीं, दिखेगी। शो की कहानी से कुछ साल पहले ही बलेरियन गुजर गया, मैराक्सिस उससे भी पहले। बलेरियन सबसे बड़ा ड्रैगन था, इतना बड़ा कि उसकी परछाई भर से जनपद के जनपद ढक जाते थे, काले रंग का खूंखार जीव जिसे द ब्लैक ड्रेड भी कहते थे। फिर आती है वेगार, शो में इसकी पीठ पर कौन होगा ये बताना स्पॉइलर हो जाएगा। फिर आती है रेनिस की ड्रैगन मैराक्सिस, एगोन के कॉन्क्वेस्ट के दौरान ही उसकी मौत हो गई। अब कॉन्क्वेस्ट की बात आ ही गई है तो कर लेते हैं। एगोन के आने से पहले वेस्टरोस सात राज्यों में बटा हुआ था, सातों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। बर्फीले नॉर्थ पर हाउस टार्क का राज था, पहाड़ी इलाके वेल पर हाउस एरिन का, नदियों और जजीरों के राज्य पर हॉरनहाल के हाउस होर का शासन था, किंगडम ऑफ द रॉक पर कास्टरली रॉक के लैनिस्टर्स का, स्टॉर्मलैंड्स का इलाका हाउस ड्यूरेंडन के पास था और रिच राज्य हाई गार्डन गार्डनर्स चलाते थे, दक्षिणी रेतीले राज्य डॉन के शीर्ष पर बैठते थे मार्टेल्स। किसी के पास सेना बड़ी थी, कुछ अमीर थे, आपस में लड़ते रहते थे, वही पुराने मुद्दे, पॉलिटिक्स और सरहद की लड़ाई, लेकिन किसी की भी एक छत्र हुकूमत
नहीं थी। फिर आया एगोन अपने ड्रैगन्स के साथ। वेस्टरोस ने कभी ड्रैगन्स नहीं देखे थे, देखे नहीं थे तो कोई तैयारी भी नहीं थी। एगोन को इस बात का भान था कि बादल हैं, एडवांटेज लिया जा सकता है। सो वो बैठा अपने ड्रैगन बलेरियन पर और एक के बाद एक राज्य फतेह कर लिया। सारी जीतों का एक ही कारण था, ड्रैगन्स। सामने वाली पार्टी को या तो ड्रैगन्स के सामने झुकना पड़ता था या वो ड्रैगन फायर में झुलसा कर मार दिए जाते। टॉरेन स्टार्क ने घुटने टेक दिए तो उसका नाम ही पड़ गया द किंग हु नेट। मर्न गार्डनर और हॉरन होर जैसे राजा नहीं झुके तो उनका वंश ही खत्म कर दिया गया। ड्रैगन्स के सामने कोई भी हथियार काम नहीं आता, न घोड़े, न तलवार, न नेवी, न दीवार। एगोन की फतह की कहानियों में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मसलन हॉरन हॉल को पिघलाना, लास्ट स्टॉर्म, डॉनिश युद्ध, फील्ड ऑफ फायर वगैरह वगैरह, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे, टाइम नहीं है इतना। तो ऐसे एगोन बना एगोन द कॉन्करर, राजाओं का राजा। अपनी राजधानी बना ली, कठपुतली राजाओं को अपने बैनर तले वार्डन बना दिया, जीत की निशानी के तौर पर बनवाया आयरन थ्रोन हारे हुए राजाओं की तलवारों से। एक और बात, एगोन ने सारे राज्यों को अधीन कर लिया सिवाय एक के, डॉन, दक्षिणी राज्य, रेत और रेगिस्तान से भरा हुआ। अपने भूगोल और गुरिल्ला टैक्टिक्स के जरिए सालों तक डॉन एगोन के सामने नहीं झुका। डॉन वो इकलौता राज्य था जिसके पास ड्रैगन्स का भी जवाब था, एक वजनदार भाला जिसे वो कहते थे स्कॉर्पियन बोल्ट। एक हमले के दौरान डॉन के सिपाहियों ने मैरेक्सिस पर ये बोल्ट दागा जो सीधा मैरेक्सिस की आंख पर लगा। मैरेक्सिस झटके में जमींदोज हो गई। उसकी पीठ पर बैठी थी रानी रेनिस, वो भी मर गई। एगोन की सिस्टर वाइफ और एक ड्रैगन मर गए। एगोन के जीते जी डॉन टारगेरियंस के कब्जे में नहीं आए। अब बात एगोन के बाद की। एगोन के दो बेटे थे, रेनिस के साथ एक बेटा था एनिस, विसेनिया से एक बेटा मेगोर टारगेरियन। एगोन के बाद राजा बना एनिस। एनिस बहुत कमजोर और इनडिसाइसिव किस्म का राजा था, हालांकि उसकी पत्नी एलिसा एक तेज तर्रार महिला थी। एनिस और एलिसा के 5 बच्चे थे, रायना, एगोन, विसेरियस, जहरियस और एलिसेन। 35 की उम्र में ही एनिस का इंतकाल हो जाता है। कायदे से तो एनिस के बड़े बेटे एगोन को तख्त मिलना चाहिए था, लेकिन एनिस के भाई मेगोर की नज़र तख्त पर बहुत समय से थी। वो शातिर था और ताकतवर भी, सो उसने अपनी ताजपोशी कर ली। एगोन द्वितीय अपने चचा के सामने कुछ नहीं कर पाया और इसीलिए उसे टाइटल दिया गया एगोन द अनक्राउंड। गद्दी मेगोर के पास थी, टारगेरियन इतिहास का सबसे क्रूर राजा। उसका नाम ही था मेगोर द क्रूएल। अक्सर ताकतवर और क्रूर लोग इनसिक्योर होते हैं। इसी इनसिक्योरिटी में उसने अपने भतीजों एगोन और विसेरियस को मरवा दिया। भयानक क्रूरता के साथ अपना राज चलाया। 6 शादियां की लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। कुछ सालों बाद संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो गई। वो एक सुबह आयरन थ्रोन पर ही मरा पड़ा मिला। मेगोन की मौत के बाद तख्त की असल हकदार रायना थी, एनिस टारगेरियन की सबसे बड़ी औलाद। लेकिन दस्तूर भी कोई चीज है, औरत तख्त पर कैसे बैठे? तो वेस्टरोस वासियों ने रायना की जगह उसके छोटे भाई जहरियस को राजा बनाया। जहरियस अच्छा राजा साबित भी हुआ। उसके वक्त में हाउस टारगेरियन ने भरपूर तरक्की की। जहरियस ने अपनी छोटी बहन एलिसेन से शादी की। उनके कुल 13 बच्चे हुए, जिनमें से हमारी कहानी के लिए 3 इंपॉर्टेंट है, एमोन, बेलोन और एलिसा। एलिसा से याद आया, आप पुरानी वाली एलिसा को भूल तो नहीं गए? याद करिए वो तेज तर्रार महिला जिससे एनिस टारगेरियन की शादी हुई थी। एनिस की मौत के बाद एलिसा ने रॉजर बराथियन से शादी कर ली। 2 बच्चे हुए, बोरमुंड बराथियन और जोसलिन बराथियन। आगे चल के इसी जोसलिन बराथियन की शादी जहरिस और एलिसन के बड़े बेटे एमोन के साथ होती है। रिश्ते में तो जोसलिन एमोन की सौतेली मौसी लगती है, लेकिन ये हाउस टारगेरियन है, कोई भी किसी से भी शादी कर लेता है। मार्टिन ने इतनी लिबर्टी अपने टारगेरियंस को दे रखी है। उधर एमोन के छोटे भाई बेलोन ने अपनी बहन एलिसा से शादी की है। अब इससे पहले कि आप रिश्तों के इस जंजाल में उलझ जाएं, हम आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। बधाई हो, आप करंट टाइमलाइन तक पहुंच चुके हैं। अब जिनकी बातें होंगी वो आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन में दिख जाएंगे। तो एमोन और जोसलिन को एक बिटिया हुई, रेनिस। बेलोन और एलिसा को 2 बेटे हुए, विसेरियस और डेमोन। रेनिस, विसेरियस और डेमोन शो में हैं। रेनिस की शादी की गई कॉर्लिस वलेरियन से, द सी स्नेक, सबसे बड़ा समुद्री व्यापारी, टारगेरियन से भी ज्यादा अमीर। विसेरियस की शादी हुई एम्मा एरिन से, इन्हीं की बिटिया है हमारी नायिका रेनेरा टारगेरियन। अब नए शो की कहानी का बैकग्राउंड जानिए।
ये जॉर्ज आरआर मार्टिन की किताब फायर एंड ब्लड पर बेस्ड है। टारगेरियन हिस्ट्री के बहुत ही रोमांचक और खतरनाक इवेंट डांस ऑफ द ड्रैगन्स के इर्द गिर्द बुना हुआ है। कहानी वही है किस्सा कुर्सी का। विसेरियस के भाई डेमोन को लगता है कि वो आयरन थ्रोन का उत्तराधिकारी है। विसेरियस अपनी बेटी रिनेरा को चुनता है। इसी पर भसड़ होने वाली है और होने वाला है डांस ऑफ द ड्रैगन्स। अब ब्रीफ में कुछ कुछ किरदारों के बारे में जान लीजिए जो आने वाले एपिसोड्स में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले ओटो हाईटावर, हैंड ऑफ द किंग, पूरे साम्राज्य में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, शातिर पॉलिटिशियन। ओटो का परिवार हाउस हाईटावर वेस्टरोस के सबसे पुराने और अमीर परिवारों में से एक है। उसका शासन ओल्ड टाउन में चलता है। ये व्यापारी किस्म के लोग हैं, केवल धन का युद्ध करते हैं। ओटो का बड़ा भाई ओल्ड टाउन का शासक है। ये हाउस वेस्टरोस में खासा इन्फ्लुएंस रखता है। फिर आते हैं वलेरियंस, टारगेरियंस के सबसे पुराने दोस्त। ये अपनी मजबूत नेवी के लिए जाने जाते हैं। हाउस वलेरियन की सदारत करते हैं कोरलिस वलेरियन, एक घुमंतू व्यापारी। इस व्यक्ति ने इतना धन जुटा लिया कि लैनिस्टर्स और हाई टावर से भी आगे निकल गया। बना अपने परिवार को सबसे ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो वह इस शो में खूब करतब नजर आएंगे। और चूंकि उनकी पत्नी रेनिस को रानी नहीं बनाया गया, तो उसका बदला भी बाकी है। मियां बीबी मिलकर करतब करेंगे। मार्टिन और उनके करिश्मे, आप अंदाजा लगाइए कि 2 दशक लगाकर इस व्यक्ति ने क्या खूब क्रिएशन किया है। पूरी दुनिया ही लिख दी, जिसके सब सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और तो और एक नई भाषा ही रच दी। वलेरियन, जिसके 2 फ्रेज हमने आपको शुरू में बताए थे, वलार मोरगुलिस मतलब ऑल मेन मस्ट डाई, और वलार डोहारिस मतलब ऑल मेन मस्ट सर्व। अब जाते जाते आपको एक और बात बता देते हैं, छोटी सी। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स को हम लोग शॉर्ट में GOT कहते हैं, वैसे ही मार्टिन ने खुद हाउस ऑफ द ड्रैगन का एक छोटा वर्जन दिया है, हॉट डी। देखते हैं कितनी हॉट निकलती है ये सीरीज। तो ये था हाउस ऑफ द ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स का इतिहास भूगोल। ये वीडियो आप देख रहे थे ललन टॉप सिनेमा पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम इंस्टा पे भी हैं, यत्र तत्र सर्वत्र हैं, मतलब तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी उपस्थिति है। हमें फॉलो कीजिए, आपको ऐसे ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।